नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती है। उनकी जयंती को देश सुशासन दिवस के तौर पर मनाता है। आज भाजपा ने भी इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी कर ली है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी। पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल बिहारी से जुड़ी कुछ यादें साझा करी। आइए आपको सुनाते हैं। परम आदरणीय, परम पूज्य, हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा के केंद्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99 जन्मदिन है। आज की शुभ अवसर पे अटल जी की जन्मदिन को हम सुराज दिवस मनाते हैं। उन्हीं की आदर्शों से प्रेरित होके देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की शासन चल रही है। एक विचारधारा को लेके लंबे समय तक संघर्ष करके लोगों की सेवा करने की उन्होंने प्रेरणा दिया। हम सौभाग्यशाली है, हम भी उनके साथ एक बार लोकसभा में सदस्य रहे। 2004 में जब मैं लोकसभा पहुंचा तब अटल जी लखनऊ की प्रतिनिधित्व करते थे पूर्व प्रधानमंत्री के नाते। मेरा सौभाग्य है, मैं उनको निकट से देखा हूं, उनके विचारों से प्रभावित हुआ हूं। आज अटल जी को याद करके हम सब प्रेरित हो रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शायराना अंदाज में अटल जी के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है उनके मन में भी बसते हैं अटल जी, और अटल जी ने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो इंसानियत को, मानवता को बहुत बड़ा स्थान दिलाती है। उन्होंने ही कहा था कि हे मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले लगा न सकूं। ऐसे अटल जी को हम सब आज उनके जन्म जयंती पे याद कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ कई पार्टियों के नेता अध्यक्ष यहाँ पे थे, कई धर्म गुरु थे, और ये आम लोग भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में आ करके उनको याद कर रहे हैं उनके जन्म जयंती पे। मैं मानता हूं कि अटल जी की प्रत्येक बात को जन जन तक पहुंचाना और अटल जी की सोच को नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से जमीन पे उतार रहे हैं, यही सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। हम उनको स्मरण करते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था, और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला स्वर्गीय अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सदैव अटल जी का स्मरण कर रही हैं,
और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है।